नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा हॉकफी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन था वो अब टूट चुका है। कई मायनों में ये गठबंधन बहुत पहले टूट जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब बहुत ज़्यादा ही बीजेपी को अड़चने आने लगी थी तो इसलिए बीजेपी ने अब ये गठबंधन तोड़ दिया है। अलग अलग दलों की, अलग अलग नेताओं की इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री टोंटी चोर, जिन्होंने नल चोरी किए, उन्होंने भी, अखिलेश यादव ने भी अब इस पर कुछ अपनी राय रखी है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने हाल ही में जी न्यूज़ के इंडिया का DNA 2019 कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उनमें उनसे चूक यह हुई कि दरअसल वह सोचते थे कि सड़क मेट्रो के नाम पर यानी काम के आधार पर वोट मिले, लेकिन बीजेपी ने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगे। ये खिजियाए हुए अखिलेश यादव ने ये बात इंडिया का DNA 2019 कॉन्क्लेव में बोली, और इन्होंने आगे बोला कि धर्म जाति के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगे और उसका ये फॉर्मूला सफल हुआ। इसके साथ ही ये, हालांकि इस जिस समय ये बात बोल रहे थे, ये सुधीर चौधरी जी से ये बात बोल रहे थे जो जी न्यूज़ के संपादक हैं। इसके बाद सुधीर चौधरी जी ने इनसे पूछा कि सियासत को यदि शेयर बाजार के हिसाब से देखा जाए तो आजकल विपक्षी महागठबंधन की धुरी के रूप में आप ही दिख रहे हैं। उसका उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में JDS कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह में आपको ही सबसे ज़्यादा भाव मिल रहा था। इसका जवाब देते हुए खिजियाए हुए अखिलेश यादव ने फिर से ये कहा कि ये सब मैंने बीजेपी से ही सीखा है कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब अखिलेश यादव जी अब इस बात को मान गए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, और बेकने की राजनीति अब ये लोग करना जान गए हैं। अखिलेश यादव के इस कथन से तो यही साफ साफ हमको समझ में आता है। फिर इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि 2019 में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो कश्मीर का मुद्दा था, इन्होंने कश्मीर पे क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि 2019 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, तो इन्होंने बोला कि 2019 के चुनाव के मद्देनज़र सपा की भूमिका पर इन्होंने, अखिलेश यादव ने बोला कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर गुजरता है। ये बात तो आप और हम सब लोग भली बात ही जानते हैं। तो लिहाजा, इन्होंने आगे फिर अपनी बात जारी रखी, इसके बाद इन्होंने बोला कि लिहाजा जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होगा उसको यूपी में आना ही होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री की रेस में हैं, तो अखिलेश यादव ने दिल पे पत्थर रखते हुए बोल दिया कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूँ, लेकिन उस प्रदेश से मैं बेशक हूँ जहाँ से ये सूची बनती है। ये अखिलेश यादव ने कहा। फिर अब मैं आता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्या राय, तो उन्होंने कहा इसमें बीजेपी की, फिर ये खिजिया गए यहाँ पर, हालांकि तो बोलने से बच रहे लेकिन फिर ये खिजियाए, फिर ये बोलते हैं कि इसमें भी बीजेपी की कोई रणनीति है। यानी ये क्या चाहते थे, अब इनसे सवाल ये पूछा जाए कि अगर बीजेपी की कोई इसमें रणनीति है तो क्या ये चाहते थे कि बीजेपी और पीडीपी गठबंधन चलता रहे। सबसे पहला सवाल इनसे ये पूछा जाए, ये आप पूछेंगे शेयर के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए। ये वीडियो खुद अखिलेश यादव तक पूरे देश में पहुंचानी चाहिए, मेरी आपसे विनती है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको फिर से बताता हूं कि गठबंधन के टूटने के सवाल पर इन्होंने कहा कि इसमें भी बीजेपी की कोई रणनीति है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन पहले से ही बेमेल था, लेकिन फिर भी इसे किया गया और अब उसको अपनी सुविधा के लिहाज से तोड़ दिया गया है, लिहाजा इसमें किसी न किसी प्रकार की बीजेपी की रणनीति ज़रूर है क्योंकि 2019 का चुनाव अब सामने है, ये अखिलेश यादव ने कहा। फिर मैं आपको बताता हूं कि जब उनसे सुधीर चौधरी ने आगे पूछा कि जिस तरह सपा और बसपा एक साथ आए तो उसी तर्ज पर पीडीपी बीजेपी का भी गठबंधन बना था, इस पर फिर अखिलेश यादव थोड़ा सा, मतलब क्या उन पर जवाब देने के लिए बनता, लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव ने आगे बोल दिया कि गठबंधन जो इनका सपा और बसपा का था, कांग्रेस भी, हालांकि ये इस बार यूपी में कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़े थे और इनकी क्या हालत हुई ये किसी से छुपी नहीं है,
इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल जो हमारा गठबंधन है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बीजेपी पीडीपी गठबंधन का आधार राष्ट्रवाद पर टिका था, लिहाजा आपको सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को समझना चाहिए। फिर इनसे जो फिर मैं आपको बता दूँ, ये तो उन्होंने यहाँ पर बोला। फिर बीएसपी के साथ गठबंधन के मसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सामाजिक न्याय का गठबंधन है। जब पूछा गया कि इसमें सीटों का फॉर्मूला क्या होगा तो उन्होंने कहा कि यह अभी रणनीति वह अभी इस समय रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। पता नहीं क्या रणनीति का ये खुलासा करेंगे, हारना आपको तब भी है। फिर इन्होंने बोला कि वो अभी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। इसमें बीजेपी के साथ जूनियर सीनियर पार्टनरशिप के नाम पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता है, बस राजनेता सीनियर या जूनियर होते हैं। अखिलेश यादव ने यदि एक उनसे और फिर सवाल पूछा गया कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो, इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो सपा से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं तो हमें इससे भी ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। यानी कि ये मानते हैं जो मोदी जी ने बोला था कि अब लोकसभा राज्यसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, बहुत सारे लगभग सभी दल इसके खिलाफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव भी इस बात को मान गए हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अब एक साथ होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने आलिशान बंगले में तोड़ फोड़ की थी, चौंटियाँ चोरी हुई थी। हालांकि मैं उसमें भी अभी एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आलिशान बंगले में जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी जांच सरकारी एजेंसी से ना कराकर दिल्ली की निजी एजेंसी से कराई जाएगी। जो अखिलेश के बंगले में क्या क्या तोड़फोड़ और उसकी क्या क्या लागत है, इन सब का आकलन करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 4 विक्रमादित्य आवास में राज्य संपत्ति विभाग की सरकारी मद से महज लगभग 90 लाख का काम PWD के माध्यम से कराया गया था। PWD ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ही जांच के लिए राज्य संपत्ति विभाग से कहा। उस बंगले में अन्य विभागों के माध्यम से लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। अन्य विभागों द्वारा जो काम उस बंगले में कराए गए उसका रिकॉर्ड ना तो PWD के पास है और ना ही राज्य संपत्ति विभाग के पास है। राज्य संपत्ति विभाग के पत्र पर PWD द्वारा लगभग 90 लाख के रिकॉर्ड का मिलान करने के हवाला देते हुए जांच करने से मना कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद राज्य संपत्ति विभाग दिल्ली की एक निजी एजेंसी के माध्यम से काम करने जा रही है। वह निजी एजेंसी जांच करेगी कि इस बंगले में क्या क्या तोड़फोड़ किया गया है, उसका विवरण उसका मूल्यांकन करने का काम भी ये करेगी। निजी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर ही योगी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने भी हालांकि इस पर अपनी बात रखी थी। विश्व हिंदू परिषद ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो अखिलेश के बंगले की जो दीवारें हैं उनमें अवैध धन था। देखिए, अब इस चीज़ की पुष्टि तो हम लोग नहीं कर सकते। ये डेली हंट में भी एक लेख छपा था, उसमें भी यही था कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अखिलेश के बंगले में जो दीवारें हैं बंगले की उनमें अवैध धन था। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है। हाल ही में एक फिल्म भी आई थी अजय देवगन की, उसमें भी था कि दीवारों के अंदर खूब पैसा भी छुपा कर रखा गया था, सोने गहने भी छुपा कर रखे गए थे। और पहले भी कई कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने आती रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं कि दीवारों पे जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी दीवारों को अगर दीवारों में से धन निकला है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी बंगले में अपने पैसे से जो नल और टोटी और टाइल्स लगवाए थे उससे उखाड़ दिया, तो ये घमासान मचा था। कहना तो यही था कि उन्होंने लगवाए थे। अब देखिए, सच्चाई तो अब सामने आएगी जब SIT जब ये जांच एजेंसी बताएगी। इस घमासान में विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ी थी। विश्व हिंदू परिषद ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अनुमान लगाया कि दीवार के पीछे अवैध तरीके से कमाया गया काला धन था। बांदा पहुंचे कानपुर प्रांत के गोरक्षा प्रमुख हैं प्रभाकर सिंह चंदेल, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस सरकारी बंगले की दीवार और सीलिंग तोड़ी हैं
दरअसल उसके पीछे ये इन्होंने ही लगाया था, जो गोरक्षा प्रमुख हैं प्रभाकर सिंह चंदेल, की सीलिंग तोड़ी गई, उसके पीछे अवैध तरीके से कमाया गया काला धन छिपाया था। राज्य सरकार के आदेश पर राज्य संपत्ति विभाग, हालांकि उस बंगले की विभाग ने उस बंगले की जांच शुरू कर दी है, मगर प्रत्यारोप का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। भाजपा नेताओं के अलावा विश्व हिंदू परिषद भी अब इसमें कूद पड़ी है। चंदेल ने कहा कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो भी लूट खसोट मचाई थी, उससे जमा अवैध धन बंगले की इन्हीं दीवारों में छिपाया गया था। दीवारों में रुपये के बंडल, सोने की सिल्लियाँ और भारी मात्रा में हीरे जवाहरात छिपाए गए थे। इतना ही नहीं, नलों की जो गायब टोटियाँ भी सोने की थीं, जिन्हें बाद में ले जाया गया, ये चंदेल का कहना था। इसमें हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जब जांच एजेंसी जो अपनी जांच सामने लाएंगी, तब इस बात का पूरा खुलासा होगा। पर मित्रों, मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि ये देश के हर नागरिक को ऐसे राजनेताओं की जो सच्चाई है वो जाननी ज़रूर चाहिए। और अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।